काफ़ी अच्छा गैप है, दो लोगों के लिए सुटेबल है, तो ये भी आप लेके कैंपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 2500। किसी को बेड चाहिए तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये फोल्डेबल बेड है भैया। लेट जाओ जरा, कैसा है लेट हो से मजा आ जाएगा भाई। गुड लेट, अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है, बिकॉज ऑफ मैं आज आपको कैंपिंग का सारा सेटअप दिखाने वाला हूँ। मैं आ रखा हूँ डिकैथलॉन, जो कि हरिद्वार बाईपास रोड पे है। और आप ब्लॉग में बने रहें, अभी मैं पार्किंग एरिया में हूँ, मैं अंदर जाता हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ, फॉलो मी गाइज। ये देखिए आप, हेलमेट, साइकिलिंग का कॉलम इधर है, बास्केटबॉल यहाँ पर रखी है, चेक करें। अरे देखिए आप, गेमिंग जोन है पूरा। ये देखिए इधर हॉकी भी आपको मिलेगी, 399। ये देखिए इंडोर, आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब गेम्स के सारे इक्विपमेंट यहीं पे मिलेंगे आपको। गाइज अभी मैं आ गया हूँ कैंपिंग जोन में, यहाँ पे कैंपिंग के सारे आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और इन दिस वे आप देख सकते हैं, मतलब कैंप यहाँ पर रखे गए हैं, कौन कौन से टेंट हैं जो आपको कैंपिंग में काम आएंगे। सुबह सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं इससे, ये जो टेंट है आपका 7999, यानी ये लगाइए आप 8000 रुपये का है, और 2.8 kg, यानी कि 3 किलो मान के चलिए आप इसका वेट। और प्लीज़ रिमूव योर शूज बिफोर स्लीपिंग। तो काफ़ी अच्छा है इसका इंटीरियर, ये लगभग दो लोगों के लिए है। चलो अंदर लेट के देखें जरा। सो गाइस, इजी है, बढ़िया है, मतलब मैं आपको बताऊँ तो सेफ है, और इंटीरियर भी बढ़िया है इसका, वाटरप्रूफिंग फुल है। बाकी इसमें जो है 6 फुट का आदमी इजीली, मैं 6 फुट का हूँ तो मैं इजीली इसके अंदर जो है सो पा रहा हूँ। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कैंपिंग के लिए, लेकिन सोलो कैंपिंग या ड्यू कैंपिंग में आप कर सकते हैं इसका यूज़। बाहर निकले जाए इसकी कैरिंग कैपेसिटी कम से कम 2 से 3 क्विंटल उठा लेंगे, अगर आपको बैग बुरा। हाँ, पीसफुल प्लेस में कहीं बैठे हो तो ये भी ठीक है, लेकिन कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी आपकी। बाकी मैं देख सकते हैं, ये वाटर बॉटल आप यहाँ से ले सकते हैं, इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 299, और काफ़ी अच्छी है ये कैरी करने के लिए भी। बाकी आप देख सकते हैं 3000 से 4000 से लेकर 9000 तक के यहाँ पे जो है कैंपिंग बैग है। ये आप देख सकते हैं, मतलब एडजस्टेबल स्टिक है, ये जो है कम से कम इसका आप ये देख सकते हैं 899 की है, एंड वेरी सिंपल पुश पिन, 130 सेंटीमीटर तक ये जो है लंबी हो सकती है। ये देखिए आप, मतलब जैसे वाटरप्रूफ होते हैं ये भी, और बैक पैकिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या रखा है, ट्रैकिंग बैक पैक एसेसरीज इधर मिलेगी आपको पूरी, 199 लोएस्ट प्राइस है। बाकी इधर मैट आपको देखने को मिलेगी, मैट भी काफ़ी इजी कैरी करने के लिए, हल्का है बहुत। और गाइस अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये करने के लिए है। और अब इधर आते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्लीपिंग बैग लगा रखे हैं, माई गॉड काफ़ी मोटा है, मतलब ये
-5 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम करेगा, 10 डिग्री, 5 डिग्री, ये है इनकी पूरी यहाँ पे जो है। वुड विद गुड कवरेज, डबल कवर, ये आपको पड़ेगा, ये वाला है जो, ये पड़ेगा आपको 5000 का। ये स्लीपिंग बैग यहाँ पर लगा रखे हैं, 5000, 2000, 2500। और ये देखिए आप इधर, इसका साइज जो है 200x80 सेंटीमीटर है। और ये देखिए आप, डबल स्लाइडर फुल जिप, ये 20 डिग्री पे काम करेगा, ये वाला आपका 20 डिग्री पे काम करेगा, डिग्री वाला है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 900 बेस्ट वैल्यू, लोएस्ट प्राइस का अगर देखिए 10 डिग्री वाला है, 10 डिग्री पे भी काम करेगा, 1000 रुपये में आप इसको जो है ले सकते हैं। अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो इसका वेट मात्र 750 ग्राम है गाइस, तो मतलब आप इसको ले के भी इजीली ट्रैकिंग कर सकते हैं। बाकी इधर आप देख सकते हैं प्लास्टिक के सारे यहाँ पर जो है आपको नाइफ और फोक स्पून वगैरह, बाकी टिफिन है अगर आप कुछ चीज़ कैरी करना चाहते हैं साथ में, तो ये है। बाकी ये मुझे लगा इसमें पानी भरा हुआ है। सो गाइस ये जो है आपके पास, इनको मोस्टली इंसुलेटेड बोतल बोलते हैं। देखते हैं इनका रेट क्या है ज़रा, देखिए आप 1000 रुपये की भी है, 1200 की, 1400 की, 999 का एक कप रखा है इन्होंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं कप। इस कप का रेट ही 2000 का है, इसमें तो लिखा 2000 है, देख सकते हैं प्राइस 400 से 500 600 तक के हैं। उस कैंप की वैरायटीज़ इधर भी रखी हुई हैं टेंट की, तो अगर मैं टेंट की बात करूँ आप इधर रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं, इनको पलटते रहता हूँ, आप जो है पढ़ते रहना बस। एक ये भी है जो सबसे लोएस्ट प्राइस में है, ये आपको पड़ेगा 2500 रुपये का मात्र। दो लोगों की स्लीपिंग कैपेसिटी है इसके अंदर, आप देख सकते हैं, और लुक वाइज भी बेस्ट है। बाकी इसके अंदर जो है इन्होंने बेड लगा रखा है एयर वाला, और आप इसके अंदर ये देख सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा गैप है, दो लोगों के लिए सूटेबल है। तो ये भी आप लेके कैंपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मात्र 2500 का आपको मिलेगा। इसकी हाइट देखें तो 107 सेंटीमीटर, यानी कि 6 फुट का आदमी आराम से सो सकते हैं। बाकी कैरिंग बैग्स है इसके साथ, बैग आप कैरी कर सकते हो साथ में। और देखिए आप हाइकिंग के लिए और कैंपिंग के लिए बहुत ही अच्छे शूज़ हैं, और एक से एक वैरायटी के शूज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं। ये कहाँ से निकाले थे हम यहाँ से, बाकी आप विंटर कलेक्शन भी आ रखा है, आप ये भी ले सकते हैं यहाँ से। बाकी ये देखिए आप इधर, आ गए शू कॉर्नर पे, आप देख सकते हैं इधर सॉक्स वगैरह, शू वगैरह सब चीज़ है। ये देखिए आप शूज़ देखिए, मतलब एक से एक वैरायटी के शूज़ यहाँ पर आपको मिलेंगे कैंपिंग के लिए, हाइकिंग के लिए। इधर ये देखिए आप 3000 का जो है न्यू फील वॉकिंग के लिए है ओनली, एंड मतलब ब्रांड है तो ब्रांड के साथ साथ कीमत भी वैसी है। आप देख सकते हैं मेरे शूज़, ये कौन से शूज़ हैं ज़रा ये भी आप बताएं, ये इनकी ग्रिप है, ये बिल्कुल भी नहीं फिसलते। मैं इनमें चाहे ट्रैकिंग कर लूँ या मैं बाइकिंग कर लूँ कुछ भी। सो गाइस अभी मैं जो है डिकैथलॉन में आ रखा हूँ, डिकैथलॉन में आ रखा हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि मतलब हर चीज़ की वैरायटी, स्पोर्ट्स से लेके आप यहाँ पर जो है कैंपिंग वगैरह, जो भी विंटर सेशन समर सेशन गेम्स के सारे स्पोर्ट्स के यहाँ पर इक्विपमेंट आपको मिलेंगे, एसेसरीज मिलेंगे आपको। जब भी अगर देहरादून आ पाते हैं तो हरिद्वार बाईपास पे ये मॉल बना है, और आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी जितना मुझे इसमें बताना था मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं खड़े होके ऊपर चेक कर सकते हैं कि मतलब रेट लिस्ट के हिसाब से आप अपने बजट के हिसाब से आप उस कॉर्नर में जा सकते हैं जो आपको चाहिए हो, कैंपिंग वगैरह, माउंटेन स्पोर्ट्स, रनिंग, जो आपको चाहिए वो कॉलम आपको मिल जाएगा, मतलब ईजी हो जाता है यहाँ पर शॉपिंग करना। जैसे आप देख सकते हैं ये है कैंपिंग,
इधर पूरा कैंपिंग सेशन का है, कैंपिंग की एसेसरीज हैं। और अगर सामने इधर को देखें तो यहाँ पर आ जाती है बैकपैकिंग की, इधर बैकपैकिंग है और इधर हो गया ये कैंपिंग का जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। बाकी ये थोड़ा बड़ा है, इसके अंदर बेड भी लगा रखा है इन्होंने, कोई अपना ज़्यादा सूटेबल करना चाहता है अपने लिए। तो ये चार लोगों के लिए बेस्ट है, चार लोगों की कैपेसिटी है इसमें। किसी को बेड चाहिए तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये फोल्डेबल बेड है। भैया लेट जाओ जरा, कैसा है, लेटो से मज़ा आ जाएगा भाई को। लेटो ये देखिए आप, बिल्कुल कंफर्टेबल है ना। हाँ, 6 फुट का आदमी आराम से सो जाएगा इसमें, बहुत बढ़िया। चेयर भी बन जाती है, खुलता भी है, मतलब एडजस्टेबल है। आप इसकी चेयर भी बना सकते हो और बेड भी, आप इसको बेड के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। सही, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल भी रखा है, हम इसको इसे स्टडी टेबल कहते हैं, लेकिन आप इसको चॉपिंग बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। एक चेयर ये है और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ ये पूरा। बाकी ये देखिए आप, ये भी एक चेयर है जिसमें कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी ये देखिए आप, ये आप इसमें बैठ के जो है यहाँ पे गिलास रख के अपना जो है फुल एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इनकी रेट की बात अगर मैं करूँ तो लो सीट ये है 600 रुपये का, और ये देखिए आप पढ़ते रहिए बस, मैं आपको दिखाते रहता हूँ। रेट है ये आप देख सकते हैं, ये जो है पूरा सर ढकने के लिए, आगे केवल आपकी आँखें दिखेंगी। ये बहुत अच्छा है, मतलब डस्ट से बचने के लिए। बाकी इधर जो मैं इस सेशन में आ गया हूँ, ये आई थिंक रोप क्लाइंबिंग का है, ये राइट क्लाइंबिंग का है। और ये देखिए आप, मतलब ये बिल्कुल वाटरप्रूफ होते हैं। और रेट क्या है इसका, 4000 रुपये, ये भी 4000 का है, 1400 का है। हाँ ठीक है, मतलब ये शूज़ देखिए आप गाइस, वो गरम, ये बर्फ़ के लिए है, एकदम स्नो के लिए है। ये हमारे बॉक्सर अविनाश डोबरियाल और इनका कल मैच है। गाइस ये भी आप ले सकते हैं, इसका प्राइस क्या है? उसी बैट ने मात्र 900 रुपये। ऐसे मुंह लग रहा है, मुंह वाला तो नहीं है, सेंसर वाला तो मुंह ले आ, मुंह आ गया। प्यास लगी तो पानी कैसे मिला भैया? बोला ठीक है थोड़ा। हम ट्राई तो सही कर रहे थे लेकिन उसमें पानी नहीं था गाइस, चलो कोई बात नहीं, बाहर चलते हैं। एंड गाइस हम आ गए यहाँ से बाहर, और डिकैथलॉन के अंदर जो जो स्पोर्ट्स और जितने भी एसेसरीज रखी हैं और कैंपिंग की वगैरह, स्पोर्ट्स के सारे एसेसरीज जो भी मैंने आपको दिखाया, आई होप गाइस आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो और भी वीडियो देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना मत गाइस। सो थैंक यू सो मच, ये हमारे अज्जू भाई हैं, और मिलते हैं आपको अगले फिर किसी ऐसे ब्लॉग में। तब तक ले, टिल देन गुड बाय। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाकर शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।